तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 28 दिन कंप्लीट करके आज 29वें दिन में एंट्री मार ली है और परसों 27वें दिन तक ह्यूज अचीवमेंट करके, बिग अचीवमेंट करके एक नई रफ्तार की तरफ आगे बढ़ चली है, एक नए टारगेट को अचीव करने चल पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 1100 करोड़ कंप्लीट कर लिए हैं। जिस मूवी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि सिर्फ पठान के रिकॉर्ड को ही बीट डाउन कर पाएगी, लेकिन 1100 करोड़ एक बार के लिए इम्पॉसिबल देखने को लग रहा था, क्योंकि वर्किंग डेज में बहुत ग्रोथ डिप देखने को मिल रही थी। उसके बाद जब कॉम्पिटिशन में फुकरे 3 आई, वैक्सीन वॉर आई, गदर 2 तो चल ही रही थी, साथ में द ग्रेट इंडियन फैमिली विकी कौशल की वो भी चल रही थी, तो ये सब देख कर एक बार के लिए लग नहीं रहा था कि ये मूवी 1100 करोड़ पहुंच जाएगी, लेकिन बहुत इजीली 1100 करोड़ ये नंबर टच कर गई। सैटरडे, संडे और ये जो गांधी जयंती का मंडे का जो हॉलीडे मिला, इन 3 दिन ने ब्रह्मास्त्र के रूप में काम किया है और जबरदस्त बाउंस बैक देखे गए हैं। तो अभी बात करेंगे मूवी ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल का दिन कैसा रहा, आज कैसी कमाई चल रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले दोनों हफ्ते में कैसा रहा रुझान, तीसरे हफ्ते में कैसा रहा, जो भी कमाई ये अभी तक कर चुकी है और आगे आने वाले समय में और कितना कमा सकती है, सभी चीज़ों पर बातें करेंगे। जवान से रिलेटेड सभी बड़ी से बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, मल्टीपल कैमियोज हैं, उसके बाद स्टोरी लाइन इज सुपर फैंटास्टिक और साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का तो देखने को मिलेगा। मूवी एच पैन इंडिया रिलीज करी गई है और धमाकेदार ग्रोथ और शुरुआत से ही जो रिव्यू रिएक्शन मिल रहे हैं बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसका फायदा पहले 10 दिन में बहुत ही जबरदस्त हुआ। शुरुआत के हफ्ते में हर दिन 100 करोड़ का कलेक्शन लेके आई मूवी, पहले 4 दिन में ही 500 करोड़ पहुंचा दिया पूरी दुनिया से, तो जबरदस्त ह्यूज ग्रोथ करी है। तो अभी बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, पहले दिन कितनी कमाई करी, ह्यूज ग्रोथ करी है 130 करोड़ की, चौथे दिन सिंगल डे में 71 करोड़ का हिंदी से बिगेस्ट कलेक्शन लेके आई है, जो आज तक कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी नहीं लेके आ पाई है, चाहे पैन इंडिया की बाहुबली ले लो, चाहे KGF ले लो, चाहे एवेंजर्स एंड गेम ले लो, चाहे इन्फिनिटी वॉर ले लो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी ले लो, लेकिन हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन आज तक कोई भी नहीं ला पाई। इवन पठान नहीं ला पाई थी, 68 करोड़ का आई थिंक बिगेस्ट कलेक्शन था उसका सिंगल डे का, लेकिन जवान ने सिंगल डे में 71 करोड़ की ह्यूज कलेक्शन करी थी अपने सिंगल डे में। इसी के साथ पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट किया, सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे मूवी ने, और पहले 10 ही दिनों में ये मूवी टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 442 करोड़ कर चुकी थी और पूरी दुनिया से 812 करोड़ कर चुकी थी। सेकेंड वीक का कलेक्शन सिर्फ रहा है, सेकेंड वीक जब खत्म किया तो सेकेंड वीक में सिर्फ मात्र नेट इंडियन कलेक्शन रहा था 136 करोड़ का, जिसमें सिर्फ हिंदी से 125 करोड़ आए थे इसके सेकेंड वीक में, और पूरा दूसरे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते मूवी ने लाइफ टाइम कलेक्शन कर लिया था सिर्फ हिंदी से 466 करोड़, पूरी दुनिया से 922 करोड़। इसी के साथ जब 20वें दिन तक पहुंची मूवी जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में ले चुकी थी, और 19वें दिन और 20वें दिन में थोड़ा ग्रोथ स्लो देखने को मिली लेकिन जबरदस्त देखने को मिली। तो पहले 20 ही दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी 515 करोड़ टच कर चुकी थी और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन से 571 करोड़ आ चुका था और पूरी दुनिया से 1022 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन में ये पहुंच चुकी थी। 19वें दिन में ही शायद 1000 करोड़ इस मूवी ने कंप्लीट कर लिए थे और जबरदस्त तरीके से हुंकार भरी थी। उसके बाद मात्र 8 से 9 दिन के अंदर ही 100 करोड़ का कलेक्शन लेके आई और परसों 27वें दिन तक मूवी ने 1100 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी थर्ड वीक की बात करते हैं, सिर्फ थर्ड वीक में कितना कलेक्शन किया मूवी ने, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 55.92 करोड़ का क्या था, जिसमें हिंदी से आया था 52 करोड़ का, ह्यूज कलेक्शन। लेकिन यहां तक और भी मूवी कंपटीशन में आ चुकी थी, तो 21वें, 22वें, 23वें दिन में भी और दूसरी तरफ वर्किंग डेज चल रहे थे और मूवी अब पुरानी भी हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इस मूवी को देख चुकी हैं, तो जो रही बची ऑडियंस है वही देखने जा रही है, इसलिए यहां पर अब ग्रोथ स्लो देखने को मिलने लगी थी। लेकिन 24वें दिन में बड़ी उछाल मारते हुए मूवी ने 8.27 करोड़ की जबरदस्त कलेक्शन करी थी, जबकि सामने फुकरे 3 थी इसके बावजूद भी, लेकिन फुकरे 3 ने भी अपना अच्छा कलेक्शन किया था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फुकरे 3 एक ऐसी मूवी है इस टाइम पर जो जवान को
टक्कर दे रही है जबरदस्त तरीके से वो भी, और पूरी दुनिया से 24वें दिन में 15 करोड़ का कलेक्शन आया था। बात करें 25वें दिन यानी फोर्थ संडे, कैसी ग्रोथ रही, सॉलिड ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही। सिर्फ हिंदी से 9.12 करोड़ का बिजनेस करा मूवी ने, और हाईएस्ट कलेक्शन किया था सिंगल डे में 25वें दिन में, जिसने KGF 2 के जॉइंट रिकॉर्ड को तोड़ा, जिसने 25वें दिन में आकर 6 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो नंबर वन पर अब जवान आ चुकी, इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया है। बहुत ही पैन इंडिया मूवीज के ये रिकॉर्ड तोड़ चुकी है नॉर्थ में, बहुत से बड़े बड़े कलेक्शन नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में। बस लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में ये मूवी अभी मात खा जा रही है, किससे, RRR से, KGF 2 से और Baahubali 2 से। लेकिन देखकर जिस हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, बाय गॉड KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को ये आराम से बीट डाउन कर सकती है। तो अभी बात करते हैं 26वें दिन में कैसी कलेक्शन रही। सिर्फ हिंदी से 6.65 करोड़ कमा के लाई है, जो गांधी जयंती थी मंडे में, और ज़बरदस्त कलेक्शन आया, क्योंकि यहाँ पर फुकरे 3 ज़बरदस्त रिदम पकड़ चुकी थी, अच्छी कमाई करके ला रही थी यहाँ तक। और पूरी दुनिया से 11 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया था 26वें दिन में, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले 26 दिन में कर लिया था 611 करोड़, पूरी दुनिया से 1095 करोड़। मात्र 5 करोड़ कम बचे थे इसको 1100 करोड़ कंप्लीट करने में, जो 27वें दिन में वो कसर पूरी कर दी। जी हाँ दोस्तों, 556 करोड़ पहले 27 दिन तक हो चुका था हिंदी से, तमिल से हो चुका था पहले 27 दिन में 29 करोड़, तेलुगु से 27 करोड़, और पहले 27 दिन में ही टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका था 614 करोड़, वही ग्रॉस हुआ था 729 करोड़, ओवरसीज से हो चुका था 370 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 27 दिन में 1100 करोड़ के ह्यूज ह्यूज मार्वलस एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर को अपने खाते में ले चुकी थी। यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, सेट कर दिया कोई भी आने वाली बड़ी से बड़ी मूवी के लिए, इंडियन मूवी के लिए, खासकर बॉलीवुड मूवी के लिए। तो 1100 करोड़ यहाँ टच कर पाना इतना ईजी नहीं है भाई साहब। जवान में वो पोटेंशियल था, इसलिए वो यहाँ से टच करके ले गई, शाहरुख खान ने वो दम दिखाया, इसलिए 1100 करोड़ यहाँ आ गया। और सिर्फ 1100 करोड़ में ही नहीं रुकेंगे ये, आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा कब 1200 करोड़ का दिखेगा, हु नोज। तो यहाँ सिर्फ एक ही मूवी पे मुझे दम खम लग रहा है इस टाइम पे, किस पे, Tiger 3 पे, या सलमान खान में वो दम है जो इस आंकड़े को बीट डाउन करके इसे क्रॉस कर सकता है या फिर मैचअप कर सकता है, जो भी कहो, लेकिन बस उसी मूवी में एक पोटेंशियल दिख रहा है। हाँ, डंकी सालार और एनिमल में भी वो पोटेंशियल है, क्योंकि इनके कॉन्टेंट बहुत ज़बरदस्त है। एनिमल का मैं कहूँगा ना हटके कॉन्टेंट है, ज़बरदस्त कॉन्टेंट है, लेकिन वही बात है, साउथ में ये मूवी कहीं ना कहीं मार खा जाएगी और ओवरसीज से इतनी कलेक्शन नहीं ला पाएगी। हाँ, नॉर्थ बेल्ट में फाड़ के रख देगी, नॉर्थ बेल्ट में मैं कह रहा हूं, हिंदी से शायद ये सभी मूवी के बीट डाउन कर सकती है एक बार के लिए। जवान को नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में बीट डाउन कर सकती है और हिंदी से बीट डाउन कर सकती है हिंदी कलेक्शन के मामले में। नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में थोड़ा आंकड़ा स्लो देखने को मिलेगा एनिमल का, लेकिन हिंदी से जरूर कर सकती है। बट हाँ, डंकी और सालार में भी है, लेकिन ये जो बिगेस्ट क्लैश हो रहा है इसकी वजह से ये कहीं ना इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। हाँ, 1000 करोड़ टच कर सकते हैं, 900 करोड़ भी टच कर सकते हैं, लेकिन 1100 करोड़ आ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात करें कल्याणी चौथे वेडनेसडे की, यानी 28वें दिन कैसी ग्रोथ रही, तो कल फुल डे वर्किंग डे था, साथ में Gadar 2 भी चल रही है और बाकी और तीन मूवी भी चल रही है, लेकिन Fukre 3 यहाँ से कॉम्पिटिशन दे रही है, Fukre 3 यहाँ से अच्छा कलेक्शन कर रही है, ह्यूज कलेक्शन कर रही है, सोच काफ़ी अपने नाम कर चुकी है। लेकिन वही चीज़ है, 1 buy 1 get 1 फ्री का जो तड़का लगा रखा है जवान ने, ये कहीं ना कहीं इन सारी फिल्मों को खदेड़ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से खदेड़ रहा है। तो सिर्फ हिंदी से कल एंड ऑफ द डे तक आया था 1.8 करोड़, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 1.9 करोड़, ग्रॉस वहीं रहा था 3 करोड़, और कल पूरी दुनिया से इस मूवी ने 5 करोड़ की कमाई करते नजर आई थी। अब पहले 28 दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी कमा चुकी है 558 करोड़, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका है 616 करोड़, और इसी के साथ पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक पहले 28 दिन में 1105 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख लिया था। अगर वर्किंग डेज में ऐसी 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ आता दिख गया, तो यह मूवी इजी टू इजी 1150 करोड़ अपने खाते में रख लेगी। 1200 करोड़ के लिए अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, 1150 करोड़ इस मूवी के खाते में लग रहे हैं और श्योर लग रहे हैं। बात करें आज यानी 29वें दिन यानी चौथे थर्सडे की कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज भी प्रॉपर वर्किंग डे है, तो आज भी कल की ही तरह कमाई करते दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा उछाल आते दिख रहा है किसमें, हिंदी कलेक्शन में, और साथ में न्यू मूवी रिलीज हुई है, तो ये इसके हक का थोड़ा सा सोच खा ही रही है। लेकिन मैं बताऊं तो कुछ इतना बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 buy 1 get 1 का जो ब्रह्मास्त्र चल रहा है सॉलिड चल रहा है। तो आज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 8 से 10% के साथ मूवी 2 करोड़ की कमाई करते दिख रही है टोटल नेट इंडियन से, जिसमें सिर्फ हिंदी से 1 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन
कलेक्शन आएगा और पूरी दुनिया से ये मूवी आज भी 5 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है। इसी साथ पहले 29वें दिन में ये मूवी 559 करोड़ कंप्लीट कर लेगी सिर्फ हिंदी से, और पहले 29 दिन में ही एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका होगा इसका मूवी का 618 करोड़ का, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज 1110 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी। ह्यूज कलेक्शन, बिगेस्ट कलेक्शन भाई साहब। तो यहां से अभी मैं मान के चल रहा हूं ये मूवी 1150 करोड़ और जाएगी, हु नोज 1200 करोड़ टच कर जाए, तो जो भी होगा आगे देखेंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है, क्या ये मूवी 1150 करोड़ टच कर पाएगी या 1200 करोड़ पे जाएगी? अगर 1200 करोड़ पे चली भी गई तो क्या ये KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ सकती है जो अराउंड 1230 या 1240 करोड़ के आसपास है? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।